बेटा ईथर का सिंबल है आर आर या रिप्रेजेंटेशन है आर आर। आईपीसी ने देखी एज एल्कोक्सी एल्कीन। देन अब बच्चों केमिकल बिहेवियर्स में अगर बात करें तो ईथर कौन कौन से तरह के रिएक्शन शो करता है। ईथर में ये ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर होने की वजह से ये ग्रीस बेस हम रिएक्ट करेगा। दैट मींस ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकता है। ठीक है बेटा मैंने हेडफोन्स मतलब आवाज नहीं आ रही क्या आपको? सर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर सही आ रही है। एक आध बच्चे को आवाज कम आ रही है। देखिए ये रहा ईथर आरओआर। इसकी रिएक्शन अगर हम किसी भी लुईस एसिड से करते हैं लाइक एचआई से भी अगर करते हैं क्योंकि एचआई की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो सबसे पहले आर ओ आर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एच जुड़ जाता है और ये आई अलग। दैट मींस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज This one is negative charge. Oxygen पे या oxygen से coordinate bond ये बनता है यानी क्योंकि इसके पास ये lone pair है इसके ये reaction को पाई और ये H आके यहाँ छोड़ के बच्चों ये वाला जो compound बनता है ये कहलाता है ऑक्सोनियम salt। ऑक्सोनियम का मतलब क्या होता है? Oxygen पे IUM आ रहा है that means oxygen lone pair donate कर रहा है। अमोनियम होता है वैसे ही अमोनियम क्या होता है? अमोनिया प्लस एचआईएन अमोनिया या अमोनिया के बाद जब NH4 पॉजिटिव बना था N पे प्लस चार्ज बेसिकली आया था तो अमोनियम था। तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट्स पर एंड ये अनस्टेबल होंगे क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब हम यहाँ फॉर्मल चार्जेस निकालेंगे तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज निकलेगा और इसलिए ये अनस्टेबल है। और इन आर ओ आर पे ये जो आर ओ आर और एच है इस पे अटैक करता है हमारा आई नेगेटिव। यहाँ पे आई नेगेटिव अटैक करने आता है। बच्चों आई नेगेटिव यहाँ किसी एक आर पे अटैक करेगा और आर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा यानी इस ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म करने के लिए ऑक्सीजन इन दोनों में एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और एक इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद ये आर के साथ चला गया। तो आपको अगर दो यूनिट्स दिख गई हैं कौन सी दो यूनिट बन रही हैं? एक तो यहां से लेके यहां तक आर ओ एच बन गया और ये आर के साथ आई आर आई बन गया। तो आर ओ एच और आर आई ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो जब ईथर की रिएक्शन की जाती है इससे एच आई से तो ईथर और एच आई पहला प्रोडक्ट जो बनाते हैं दैट इज ऑक्सोनियम सॉल्ट और वो जो ऑक्सोनियम सॉल्ट है वो डिसोशिएट होके बना देता है अल्कोहल एंड आयोडाइड। दो प्रोडक्ट बन गया एक अल्कोहल और एक आयोडाइड। बच्चों आपको याद होगा कि जैसे अल्कोहल की पहले हम बात कर लें कि अल्कोहल HCl से रिएक्ट करता था ZnCl2 की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए एल्काइल क्लोराइड। HBr से रिएक्ट करता था H2SO4 की प्रेजेंस में RBr बनाने के लिए और अल्कोहल HI से डायरेक्ट रिएक्ट कर देता था सिर्फ हीट करने बिना किसी एज सिर्फ हीट करने। यहां पे भी अल्कोहल बन गया और HI अगर मौजूद है तो ये से रिएक्ट कर लेगा मतलब हीटिंग कंडीशन है अगर हॉट है टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर रिएक्ट कर लेगा ये भी RI में चला जाए। तो बेटा अगर ईथर की रिएक्शन आपने एच आई से की है और ये हॉट एंड कंसेंट्रेटेड है सपोज हॉट एंड कंसेंट्रेटेड अभी बेटा कोल्ड एंड डाइल्यूट की बात करूंगा पहले हॉट एंड कंसेंट्रेटेड में क्या होगा ये बता रहा हूं। तो हॉट एंड कंसेंट्रेटेड में पहले स्टेप में ये बना अल्कोहल और आर आई बट ये अल्कोहल भी तो इस एच आई से रिएक्ट कर लेगा यानी यहाँ दोनों ही आयोडाइड बन जाएंगे और वाटर अलग। और सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये एच आई ये दो मॉलिक्यूल अटैक कर ये एच ये आई और दो आर
आई बन जाएंगे और एक वाटर बन जाएगा दिस वन. तो अगर अल्कोहल सॉरी अगर ईथर की रिएक्शन एच आई से की गई और एच आई हॉट एंड कंसंट्रेटेड है बेटा, हर रिएक्शन को एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए चाहिए. तो आगे एरो पे साइन दिखा दिया है. तो ईथर एच आई से रिएक्ट करके एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो. लेकिन अगर यही रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट में हो रही हो, यानी ये हमारा ईथर है आर ओ आर और ये एच आई है और ये कोल्ड एंड डाइल्यूट है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ आर ओ एच अल्कोहल और आर आई बनता है. तो एक अल्कोहल एक आयोडाइड बन. नाउ द पॉइंट इज दिस, अगर ये ईथर सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन नहीं. ये सिमेट्रिकल ईथर था तो कोल्ड एंड डाइल्यूट से रिएक्शन हुई तो बेटा यहाँ पे CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल और CH3I यानी मिथाइल अल्कोहल एक ही जैसे है तो बन. तो अगर ईथर सिमेट्रिकल होगा तो नो टेंशन. द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द ईथर्स आर अनसिमेट्रिकल, यानी एक तरफ मिथाइल लगा है और एक तरफ मिथाइल लगा है. अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो कि कहां या किसका अल्कोहल बनाए किसका आयोडाइड. तो अगर हम इसे मैकेनिज्म से देखेंगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा. बच्चों मैकेनिज्म से देखने की कोशिश करिए. ये रहा ईथर का ऑक्सीजन, ये रहा इसका एक एल्काइल ग्रुप CH3, ठीक है CH3, ये रहा CH3, ये रहा दूसरा एल्काइल ग्रुप CH2 देन CH3. मतलब पूरा एलोबरेटेड बढ़ा के दिखा रहा हूं और इसमें जुड़ चुका है एक H, ठीक है ये पूरी यूनिट बन चुकी है, ये H भी जुड़ चुका है प्लस चार्ज आ गया, याद आ गया आपको, ठीक है ओके ओके कोई बात नहीं. अभी हम थोड़ा इधर कर लेंगे अगर ठीक है आप टेंशन ना ले. तो ये हमने CH3CH एक तरफ CH3 दिखाया है, एक तरफ C2H5 दिखाया है. ये एच आपके अटैक करके एच आई एच जुड़ गया प्लस चार्ज आ गया आई नेगेटिव को अटैक. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ऑक्सीजन में बेसिकली प्लस चार्ज है, ठीक है ये वाला जो प्लस चार्ज है ये प्लस चार्ज कहाँ है इस ऑक्सीजन पे है. ये प्लस चार्ज हटाने के लिए ऑक्सीजन या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराएगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन लेने हैं या ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराएगा. तो ये बॉन्ड कब ब्रेक होगा, तो बेसिकली आई नेगेटिव यहाँ आएगा. तो आप ध्यान से देखिएगा अगला I negative इस कार्बन पे या तो अटैक करेगा या इस कार्बन पे, जब ये I negative इस कार्बन पे अटैक करेगा या फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा तभी जैसे ये अटैक करेगा, जैसे सपोज ये इस पे अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इस पे अटैक किया तो ये चले. अब हमें समझना I negative अटैक किस कार्बन, इट इज अगेन अ कॉमन सेंस आई नेगेटिव को अटैक करना है कार्बन पे. और अगर ये कार्बन एक्सपोज होगा, कौन सा कार्बन जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली लगा, अगर ये कार्बन एक्सपोज होगा इजिली अप्रोचेबल होगा आसानी से अटैक करने लायक होगा तो अटैक हो जाएगा अदरवाइज नहीं हो पाएगा. तो ये वाले कार्बन से तीनो एच है, इस कार्बन के साथ दो एच है और एक एल्काइल ग्रुप लगा है. तो बच्चों I नेगेटिव को अटैक करने के लिए ये पोजीशन आसान लगेगी क्योंकि ये लेस क्राउडेड कार्बन है. तो I नेगेटिव यहाँ पे कम अटैक करेगा लेस क्राउडेड कार्बन पे, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा. और जब ये स्मॉलर एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा I नेगेटिव तो ये छोटे के साथ अपना कंपाउंड बना लेगा और ये बड़ा वाला अल्कोहल बन के तैयार होगा. इज इट क्लियर. यहाँ पे हमने किया क्या है कि जब एच आई से रिएक्शन किए तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बना. मैकेनिज्म पूरा कर देखें तो ऑक्सोनियम सॉल्ट जब बन गया तो ये सॉल्ट ब्रेक होगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, हीट करते ही टूट जाता है. अब इसमें आई नेगेटिव का रोल है, ये आई नेगेटिव अटैक करने आया. बेसिकली आप इसको कह सकते हैं ये जब आई नेगेटिव अटैक कर रहा है बॉन्ड जुड़ रहा है तो SN2 रिएक्शन कहलाई जा सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर. नेगेटिव है ना, आई नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइलिक है,
कर रहा है और इस CH3 से खुद को जोड़ रहा है और CH3 से बाकी ग्रुप से हटा रहा है, इसका मतलब तो ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके दूसरे को हटाया, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे नीचे एक ही स्टेप में हो गया काम, इसने अटैक किया वो हट गया, तो ये हो गई SN2 रिएक्शन, SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में क्या हुआ कि I नेगेटिव आया और I नेगेटिव में उस कार्बन पे अटैक किया व्हिच इज सिंपल भाषा में स्मॉलर, ठीक है, मोर एक्सपोज्ड, इजीली अप्रोचेबल, उस एडजेसेंट कार्बन पे अटैक करेगा जो इजीली अप्रोचेबल होगा, और उस कार्बन पे अटैक करने के बाद क्लियर है आपको ये छोटे के साथ आयोडाइड और बड़े का अल्कोहल बनेगा, और इस मैकेनिज्म को SN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं, ये SN2 मैकेनिज्म में आएगा। नाउ यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो अभी तक के दो पॉइंट ये हो, पहला पॉइंट ये हुआ है कि अगर ये एक ईथर है और इस ईथर की रिएक्शन HI से की है और ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड में CH3 का भी I बनेगा, C2H5 का भी I बनेगा और वाटर अलग होगा। यहाँ हॉट एंड कंसंट्रेटेड में दो मोल रिएक्ट करेंगे क्योंकि जो अल्कोहल बनेगा भी वो रिएक्ट कर जाएगा इस। अब अगर बेटा ये है CH3O C2H5 और इसकी एजाइड रिएक्शन कर रहे हैं और अब भी लिखा है कूल्ड एंड डाइल्यूट, तो कूल्ड एंड डाइल्यूट में छोटे का आयोडाइड बनेगा, बड़े का अल्कोहल बनेगा और का बोलो बच्चे दो ही पॉइंट अभी तक, और ये वाला जो सेकंड पॉइंट है जिसके हमने SN2 रिएक्शन कहा है। ना जब SN2 रिएक्शन हुई है तो SN1 की भी पॉसिबिलिटी, कब होगी SN1? अगर बाई चांस किसी एक तरफ टर्शरी अल्काइल ग्रुप होता, अगर किसी एक तरफ टर्शरी अल्काइल ग्रुप होता तो क्या बेटा, ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप जब HI से अटैक करेगा तो यहां H आ गया प्लस चार्ज I आ गया, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट बता रहे हैं SN1 में अगर ध्यान हो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनते थे, SN1 जो हम जनरल भाषा में कहते थे उसमें इंटरमीडिएट बनते थे कार्बोकेटाइन, और जो इंटरमीडिएट स्टेबल होता है वो इजीली बन जाता है 3 डिग्री या 3 डिग्री से ऊपर, बेंजाइल एलाइल 3 डिग्री स्टेबल इंटरमीडिएट या कार्बोकेटाइन, तो ये वाला बॉन्ड इजीली क्योंकि इसका इंटरमीडिएट स्टेबल है तो ये इजीली टूट जाता है, और इजीली टूट गया कार्बोकेटाइन बन गया। नाउ इट इज अ कॉमन सेंस कैटाइन के साथ ही आई एनायन जाके जुड़ेगा और अल्कोहल ये बन जाएगा, यानी ये रिएक्शन SN1 ऑर्डर फॉलो करेगी। क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट ये था हमारा पहला पॉइंट, ये था दूसरा पॉइंट, ये है तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा था अगर ईथर की रिएक्शन HI से करें हॉट एंड कंसंट्रेटेड ले लें तो अल्कोहल नहीं बनते, दोनों के दोनों आयोडाइड बनेंगे, और ऑब्वियसली अगर अल्कोहल कोई बनाएगा भी तो वो HI से फिर रिएक्ट कर लेगा, हाई टेम्परेचर में HI डायरेक्ट रिएक्ट कर लेता है, तो दोनों ही आयोडाइड बनेंगे, अल्कोहल नहीं। कोल्ड एंड डाइल्यूट के दो पॉइंट अभी हमने पढ़े, कोल्ड एंड डाइल्यूट का पहला पॉइंट ये है कि HI से जब रिएक्ट करते हैं इन जनरल केसेस स्मॉलर का आयोडाइड बिगर का अल्कोहल, क्योंकि I नेगेटिव को अटैक करना है उस कार्बन पे जो मोर एक्सपोज है, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म आ रहा है, साइमल्टेनियसली अटैक होना है, उसी स्टेप में अटैक होना है, उसी के अलग होना है, तो SN2 मैकेनिज्म में उस एल्काइल ग्रुप पे I नेगेटिव जाके अटैक करता है जो स्मॉलर है। लेकिन अगर यहाँ अनसिमेट्रिकल ईथर में कोई एक कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनाने लायक एल्काइल ग्रुप है या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, यानी बेंजाइल एलाइल या 3 डिग्री है, तो जब HI अटैक करेगा तो वो HI की अटैक रिएक्शन में आयोडीन जो जाएगी वो 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगी, यानी ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कर सकता है, अब I
पानी यहाँ से और छोटे का अल्कोहल। अभी हमने ऊपर कहा था छोटे का आयोडाइड बड़े का अल्कोहल, यहाँ पे हम कह रहे हैं 3 डिग्री का आयोडाइड और दूसरे का अल्कोहल। तो ये हो गया पहले 3 पॉइंट, ठीक है, पहले 3 पॉइंट ये हुए हैं। और मोल करने वाला, ठीक है, अब बेटा इसी का चौथा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट इसका ये है, बेटा चौथा पॉइंट इसका ये है कि अगर हम रिएक्शन कराएं C6H5O CH2CH3, इसकी रिएक्शन करा C6H5 है, शायद आपको याद आ गया हो कि अब आपको SN1 SN2 वाला कंसेप्ट सेकेंडरी रखते हुए प्राइमरी ये याद रखना है कि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर और ये वाली बेंजीन में रेजोनेंस, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये वाला बॉन्ड अप ब्रेक होगा ही नहीं, ये वाली क्लीवेज नहीं, और इसलिए क्लीवेज यहां से करेंगे, चाहे ये ग्रुप छोटा हो चाहे ये ग्रुप इससे बड़ा हो कोई मतलब नहीं, अब यही टूटेगा और कॉमन सेंस से टूटेगा तो प्लस चार्ज आएगा, बेटा अगर प्लस चार्ज आएगा तो माइनस आगे जुड़ेगा और यहाँ पे फिनॉल बनेगी बनेगी C6H5OH और यहाँ CH3CH2 के साथ आई आएगा। तो अगर ये बड़ा भी होता, इसे मान लो मैंने ये ग्रुप यहाँ लगा दिया तो कहने के लिए ये ग्रुप एलाइल ग्रुप और सॉरी बेंजाइल ग्रुप है, इसका कार्बोकेटाइन और स्टेबल है, बट द पॉइंट इज दैट कि ये बॉन्ड यही से टूटना है, वहां से टूटना ही नहीं है, तो हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। चलिए चार्ज की बात अभी आ गया कि यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा और एसआई के रिएक्शन में फिनॉल ही बनेगा और साथ में C6H5CH2 अच्छा ये मैकेनिज्म से भी यही आ रहा है वैसे कि ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है इसलिए, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों तरफ C6H5 आ जाए, यानी ये कहना चाहते हैं हम कि अगर बच्चों अगर मैं ये कह रहा हूं इस रिएक्शन में यहां पे भी C6H5 है और यहां पे भी C6H5 है और HI से रिएक्शन कहीं है, आंसर विल बी नो रिएक्शन दिस वन। तो यहां हाइड्रोलिसिस से कह रहे हैं, यहां हाइड्रोलिसिस नहीं होगी और यहां रिएक्शन नहीं होगी, डेफिनेटली नो रिएक्शन द आंसर। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स सारे, ठीक है, 5 टाइप के कह सकते हैं, 4-5 भी है, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। आई होप सो किसी बच्चे को इसमें डाउट है, ठीक है, ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। ठीक ठीक है, कोई डाउट है बताओ, नहीं आ रहा इतने में, चलिए बेटा बताइए क्लियर है ये वाला पॉइंट, वेरी गुड। ये हो गया रिएक्शन विद एसआई, इधर की एसआई से रिएक्शन करने के बाद क्या नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। बेटा ये है C2H5 ये ईथर है, दैट इज डाइथाइल ईथर, और मैं आपसे कह रहा हूं इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, हाई टेंपरेचर हो गई होगा, प्रोडक्ट बदल क्या आएगा, ईथर की कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करें क्या बनेगा, डेफिनेटली वेरी गुड, सही है बेटा सात्विक, सही है इतना बेटा, ध्रुव आप गलत है, सात्विक सही आंसर। एक्चुअली अगर आपको याद आ गया हो कि इथाइल अल्कोहल कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाइथाइल ईथर बनाता था
और उसके 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही 170 आएगा टेम्परेचर, तो एल्कीन बनाता था। दैट मींस अगर हमारे पास ईथर है और H2SO4 है तो हम हीट करेंगे तो यही बनेगा। अरे भैया इथाइल अल्कोहल से पहले ईथर बना, ईथर को आगे हीट किया एल्कीन बना, तो ये बीच से पूछ लिया कि ईथर को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली एल्कीन बनेगी CH2CH2 के दो मॉलिक्यूल। एक बच्चे ने ब्यूटीन कह दिया, ब्यूटीन नहीं बनेगी बेटा, एक्चुअली बीच पे वो है, इधर कार्बन कार्बन है, इधर कार्बन कार्बन है, और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के हिसाब से ये वाला एच निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, ये इधर। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे ही एच निकलेगा और एच वाले इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों एच बीच जाके जुड़ जाएंगे तो वाटर बन जाएगा, और ये C2H4, ये C2H4 दैट इज टर्म्ड एज इथीन का फॉर्मेशन। तो ईथर की अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 से आप रिएक्शन करेंगे तो एल्कीन बन जाएंगे। नेक्स्ट, ये है डाइथाइल ईथर, और मैंने अभी कह दिया है इसकी डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कर। अब क्या बने बताइए, डेफिनेटली डाइल्यूट H2SO4 वाटर प्रोवाइड करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, और किसी तरफ भी आप H और किसी तरफ OH पीएच में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जब प्लस माइनस में ब्रेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा दोनों मॉलिक्यूल अल्कोहल के बन, तो फर्क नहीं पड़ता छोटा और बड़ा, फिलहाल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा दोनों तरफ, इधर से भी और इधर से भी अल्कोहल ही बनेंगे। तो ईथर की अगर आप डाइल्यूट H2SO4 से करते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के हिसाब से तो ईथर की तीन रिएक्शन है, ठीक है, और अगर आप ईथर की ये रिएक्शन है CH3 CH3, अगर कार्बन दोनों ऑक्साइड से कर दें इन प्रेजेंस ऑफ DFT कैटलिस्ट तो ये एस्टर में चेंज हो जाते हैं, CH3CO, मतलब ये CO ग्रुप बीच में इंसर्ट होके एस्टर बना लेता है, और हमेशा वही प्रपोज टाइप का लगाते हैं, अगर छोटा और बड़ा है तो बड़े को छोड़ के रिएक्शन शुरू करते हैं। फिलहाल यहाँ सिमेट्रिकल लिया है और ये एस्टर बनेगा, तो ये लैंग्वेज में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कर दें इन प्रेजेंस ऑफ CH3 कैटलिस्ट देन इट विल गिव यू एस्टर, तो ईथर से ये एस्टर बनाने का तरीका। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ NCERT भी, जहाँ हमारे पास एक थोड़ा सा बेनिफिट है कि अगर NCERT में कुछ और दे रखा है तो हम देख सकते, जनरल आईबीसी आ गया, ठीक है, आईबीसी अल्कोहल की चल रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल हो गई, एलोवेरीन एलोलियम नीम ये सारे हो गए, ये वाली रिएक्शन मैंने आपको कराई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में नहीं होती, याद रखना है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से रखने ईथर का बहुत कम है, अल्कोहल का ज्यादा है, केमिकल रिएक्शन ये अल्कोहल की दिख रही है, अल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शन है, एच हटने वाली रिएक्शन, टू एच हटने वाली रिएक्शन, ठीक है, ये फिनॉल में रेजोनेंस दिखाई है, गुड, ये रहे वो जो कल हमने क्वेश्चन या परसों किए हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल या क्रिसॉल, और इनकी PKa PKb भी वैल्यूज गिवन है जिससे आप थोड़ा और बता सकते हो, जिससे more acidic, less acidic, ठीक है, ये एस्पिरिन दे दिया है, एल्कीन बन गया है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी को देखना, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स आ गया, ये हमने कल कर लिया है, फिनॉल की रिएक्शन से जो है, ओके, नेक्स्ट, इसके बाद मतलब ये हमारे कोर्स से हटा दिया गया है, मिथेनॉल इथेनॉल अब कोर्स में नहीं है बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बनते हैं ये हमने बात कर ली थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में विलियमसन से ईथर बनेंगे, और यहां देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्शियरी ग्रुप यहां आ सकता है ONA में, इसमें नहीं आएगा, चलिए ये हो सकता है हमारा, आगे बढ़ते हैं ना, ये रहा अच्छा, ओके,
फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट है, एंगल है, एरोमेटिक ईथर को भी दे रखा है इन्होंने कि एरोमेटिक ईथर अगर HX के लिए करेगा तो फिनॉल बनाएगा, जो भी हमने आपको रिएक्शन करके दिखाई, कोई HX या HI वाली रिएक्शन नहीं करती है, तब क्या क्या बन जाता है, वेरी गुड, ये पूरा मैकेनिज्म दिखा रखा है इन्होंने, तो आपको मैंने अभी पढ़ाया है कि ईथर क्या क्या बना सकता है। गुड, अगर टर्शियरी ग्रुप आएगा तो अमोनियम सॉल्ट आप देख लें, और अगर बेंजीन रिंग आएगा तो ये भी दे रखता है कि बेंजीन रिंग आएगा तो क्या है। ऑब्वियसली ये छह परीक्षण में तीन चार रिएक्शन दे रखी है इन्होंने, तो ये तीन रिएक्शन दे रखी है, पूछा गया है कि क्या क्या बनता है, ठीक है, आपको ज्यादा विजिबल नहीं ख्याल लगेगा, ठीक है, तो ये ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा हाँ, एक रिएक्शन आप देखा, देखने से पता चल गया एरोमेटिक ईथर की इन्होंने एक आध प्रॉपर्टी दे रखी है, एनी डॉल की मेजर माइनर कौन बनेगा, ठीक है, और इसको अभी हम चार तीन रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। इन्होंने एक रिएक्शन एनी डॉल की कौन बच्चों, कौन सी रिएक्शन दे रखी है, ये बेंजीन की रिंग है और इसके ऊपर OCH3 लगा है, इस कंपाउंड का नाम होता है एनी, ये एनी स्कूल कॉमन नेम में है और इसे आप मिथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं, बट IUPAC ने भी एनिजोल एरोमेटिक में कॉमन नेम को ये रिकमेंड कर दिया गया है, ज्यादा टफ नहीं करने के लिए। और अगर ये C2H5 होगा तो इसका नाम है पीनीटोल, एक एनिजोल है एक पीनीटोल है, अभी हमारे कोर्स में एनिजोल उन्होंने दे रखा है तो हम उसी से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, हम पीनीटोल को छोड़ दे रहे हैं, हम एनिजोल से ही पढ़ रहे हैं। अब बेटा इस एनिजोल में उन्होंने कहा है कि ये कैसा ग्रुप है, तो अगर आपको याद हो यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर वाले ग्रुप प्लस एम होते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई, ये प्लस एम है और माइनस आई, यानी अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, प्लस एम की वजह से, जो तो बच्चे दो चार दिन से रेगुलर आ रहे हैं, प्लस एम ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते, तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक ज्यादा होगा मेटास्ट। अब पॉइंट आया प्लस एन को बराबर लगता है ऑर्थो पे भी पैरा पे भी, तो प्लस एन की वजह से ये चार्ज इक्वल है, लेकिन माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा और माइनस आई डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है, तो यहाँ से माइनस आई ज्यादा लगेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और बेटा अगर इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए तो ये वाला नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा, यहाँ से भी कम होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, यहाँ ज्यादा कम हो जाएगा, और अगर ये ज्यादा कम हो गया तो ओवरऑल हमें यहाँ चार्ज ज्यादा दिखने लगा, और इसलिए पैरा प्रोडक्ट हमारे मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी करके दिखाई है एनसीईआरटी ने, ये देखिए एनसीईआरटी ने तीनों रिएक्शन दिखाई है, ये रही फ्रिडल क्राफ्ट, एनिजोल अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, दैट इज एल्काइल एंड कैसाइल ग्रुप कैन बी इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है, विद एल्काइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ PLCO, तो इनका कहने का मतलब है जो फिनॉल रिएक्शन नहीं देता था फ्रिडल क्राफ्ट, एनिजोल ये रिएक्शन देता है, ऑर्थो और पैरा बनते हैं, बट पैरा आर द मेजर, जरा ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच इज मेजर, पैरा आर द मेजर, ऐसे ही अगर नाइट्रेशन करेंगे तो वही H2O4 HNO3 चाहिए होगा एंड पैरा आर अगेन, और ये रहा हैलोजिनेशन, अगेन हैलोजिनेशन करेंगे तो पैरा प्रोडक्ट 90% बन रहा है, मेजर बनता है, ठीक है, अंडरगो हैलोजिनेशन विद इन प्रेजेंस ऑफ द ये क्या था लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस वन इट इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ रिंग ऑफ मिथाइल, मतलब यहाँ अगर आपके पास AlCl3 नहीं भी है तब भी रिएक्शन हो जाएगी बिना AlCl3 के, और रीजन एनसीईआरटी में दे रखा है क्यों, क्योंकि OCH3 हाईली प्लस एम है और ये प्लस एम की वजह से रिएक्शन करा लेता है, तो ये तीनों रिएक्शन करा रहा है, एलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन, एलोजिनेशन नाइट्रेशन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, ये सारी रिएक्शन में हो रही है, गिव मी 1 मिनट मोर, ओके, एक मिनट और देख लेते हैं बेटा, एल्डिहाइड एवं अल्कोहल फिनॉल, ओके, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये वाली एक स्लाइड अगर देख लेते हैं,
क्यों? ये बेटा एक बारी आप देख सकते हैं, ये इधर चैप्टर का रिवीजन करा दे रहा हूं मैं आपको स्टार्टिंग दिस स्लाइड्स से, तो अगर आप देखना चाहें देख लीजिए, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर कैसे कैसे थी। और आपको इसे याद है कि विलियमसन्स रिएक्शन मेन है, इसमें तीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एंड ऑब्वियसली फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विलियम बाई की मेथड जो है विलियमसन्स सिंथेसिस। ठीक है, अब विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, क्योंकि वही रोना होता है, आर ओ एन ए रोना, रोना के साथ क्या है और एक्स आर ने रिएक्ट किया है और ये हीट करें यहाँ मीडियम अल्कोहलिक लिक्विड इन्होंने बनाया है। आपका मेन फोकस होगा कि यहाँ अल्कोहलिक मीडियम कहने का मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस में इलिमिनेशन होके एल्कीन बन सकती है, तो आर ग्रुप आपका प्राइमरी ही होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शियरी में एल्कीन बनने के चांसेस ज्यादा है। तो ये जैसे आर ओ एन ए में सी एच थ्री ओ एन ए और सी एच थ्री आई लिया है तो ये ईथर बना, एन ए आई बना, और अगर आपने C2H5 लिया तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि अभी CH3 है तो ईथर ही मेन बने। यहाँ नोट करके शायद पॉइंट नहीं है लेकिन आपको याद होगा कि यहाँ एल्कीन बन सकती है। अगर फिनॉल की एलिओए से करेंगे तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, तो ये आर ओ एन ए बन गया और CH3I से रिएक्ट करेंगे तो ये CH3 ऊपर ग्रुप आ गया, दैट इज मेथॉक्सी बेंजीन या एरोमेटिक ईथर ही बन गए जिसे एनीजोल कहते हैं, इसे मिथाइल फिनाइल ईथर कॉमन भाषा में या मेथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। हाँ देख, यही वाले पॉइंट की मैं बेटा बात कर रहा था, लिमिटेशन की, कि अगर एल्काइल ग्रुप टर्शियरी हुआ, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, लेकिन ये बच्चों ध्यान रखना एल्काइल ग्रुप कौन सा, जो एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और आर ओ एन ए ये रोने पोने का एल्काइल ग्रुप नहीं देखना, आर ओ एन ए का कोई भी एल्काइल ग्रुप हो तो सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन होता है और प्रोडक्ट एल्कीन्स बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट एल्कीन बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिर्फ 1 डिग्री में ईथर मेजर प्रोडक्ट है, 2 और 3 डिग्री में एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है, 3 डिग्री में तो 100% एल्कीन है, 2 डिग्री में भले 50-50% है लेकिन मेजर एल्कीन को ही मानते हैं। दूसरा मेथड हमारा है अल्कोहल से, ये अल्कोहल चैप्टर में हमने लिखा है जस्ट एक कार्बन, लेकिन इस मेथड की लिमिटेशन है कि ये आर ओ सी एच थ्री ही बनाता है क्योंकि डाइएथोमीथेन में बेटा एक ही कार्बन होता है, तो ये आर ओ सी एच थ्री ईथर बन जाता है और ये अल्कोहल चैप्टर में लिखते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस डाइएथोमीथेन की कमी रिएक्शन है, इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर डाइएथोमीथेन दैट इज CH2N2 के बारे में क्वेश्चन है तो ये, ठीक है, तो इसमें हमेशा मिथॉक्सी ग्रुप आएगा ही आएगा, डाइमिथाइल ईथर आया या मिथाइल इथाइल ईथर आया तो मिथॉक्सी आएगा ही आएगा। इस मेथड की लिमिटेशन में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ओनली मिथाइल ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड, अगर आप चाहो डाइथाइल या इथाइल प्रोपाइल तो कुछ नहीं बना सकते, आप खाली मिथाइल ईथर ही बना सकते। अब आपको याद आ गया होगा अल्कोहल से एक तरीका और था, या एल्काइल हैलाइड का ड्राई एजी टू था, और अल्कोहल में भी कंसेंट्रेट एसिटोन लेके आप कर सकते थे जो एनसीईआरटी में दे रखा था, ये ड्राई एजी टू के साथ हमने घर बनाया। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, पहला मिथाइल आयोडाइड व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक या सोडियम ऑक्साइड, बताइए बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा, 4 ऑप्शन है आपको, ऑप्शन टाइप करना है, डाइथाइल ईथर है, डाइमिथाइल ईथर है, इथाइल ईथर है, ऑल ऑफ। क्वेश्चन है मिथाइल आयोडाइड CH3I रिएक्टेड विद R2C2H5ON, एक CH3 है एक C2H5, ऑब्वियसली बेटा ठीक आंसर है, वेरी गुड, तो जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं वही आंसर देंगे, बाकी जो खाली पक्की कर रहे हैं कहां से बताएंगे, ध्रुव ने, अभिषी ने सही आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी बताएं तो अच्छा रहेगा, एक प्रमिथाइल, वेरी गुड, दो ही बच्चों ने आंसर दिए थे, विलियमसन सिंथेसिस ओनली डैश एल्काइल हैलाइड इज ऑब्वियसली ऑप्शन होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड ऑल नन, ये ऑप्शन बताइए बेटा आंसर क्या है, डेफिनेटली
बिल्कुल सही है बेटा अभिषेक, एंड इससे पहले जिसने दिया था वो भी ठीक है, नाम नहीं पढ़ा मैंने उनका। ध्रुव अभिषेक दो ही बच्चे आंसर दे रहे हैं। ध्रुव बेटा आप अरुषि सॉरी सही था आपका, हाँ वेरी गुड। हाँ बेटा ये आंसर वन नहीं लिख सकते, सार्थक गलत है आपका आंसर, आंसर वन थोड़ी लिखेंगे, वन डिग्री बोलिए या तो, लेकिन वो तो ऑप्शन के हिसाब से बोलना है, और वन डिग्री का ऑप्शन यहाँ बी है, थर्ड ऑप्शन है सी है सॉरी, तो ये याद है। Only dash ether obtained from alcohol and diazote, तो अगर आपको याद आ गया हो तो बता दीजिए, अगर अल्कोहल और डाइएजोमिथेन लेंगे तो लिमिटेशन चाहिए इसी का, ठीक है डेफिनेटली। तो अगर नहीं बेटा गलत हो गया, क्योंकि आपको डाइएजोमिथेन में बताया गया था, नहीं बेटा सॉरी, सारे बच्चों ने अभी तक घुटनों ने दिया गलत दिया है, वेरी बैड, ठीक है। आंसर था कि अगर आपने डाइएजोमीथेन लिया है तो गारंटेड CH3 आएगा ही आएगा, दैट इज एक तरफ मिथाइल आएगा, दूसरी तरफ की गारंटी नहीं है कि मिथाइल ईथर बनेंगे। डाइमिथाइल हम कह ही नहीं सकते, एक आदमी ने सी का है, एक आदमी मिथाइल का है, हमें मिथाइल से पता ही नहीं, यहां मिथाइल। ओके नेक्स्ट इज ब्रोमोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद Ag2O, अगर ब्रोमोमीथेन है और ड्राई Ag2O से रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, क्योंकि ये ब्रोमो है, बताइए आंसर। ड्राई Ag2O है, ईथर बनना है, जिसके चारों ईथर दे रखे हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, डेफिनेटली बेटा बिल्कुल सही आंसर है ग्रुप आपका, कि यहाँ दोनों तरफ सेम ग्रुप आ जाएगा, एंड दैट इज मिथाइल ग्रुप। बेटा सात्विक गलत है आंसर, यहाँ दोनों तरफ मिथाइल आना है, इसलिए डाई मिथाइल। अभिषी अरुषि ध्रुव एंड साथ, तो चार बच्चों के आंसर अभी तक मैंने प्रोटेस्ट किया है, यही दे रहे हैं। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देख लें तो ईथर में एक कोल्ड एक्साइड से रिएक्शन है, एक हॉट एक्साइड से रिएक्शन होगी। कोल्ड एक्साइड से रिएक्शन में आपको याद आएगा कि एक अल्कोहल बनाना है और एक आयोडाइड बनाना है, तो अल्कोहल के साथ आयोडाइड बनाना है, छोटे का आयोडाइड बड़े का अगर डिस्टिंग्विश होंगे तो दोनों अलग अलग होंगे, तो बड़े का अल्कोहल और छोटे का आयोडाइड बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये रिएक्शन क्योंकि आज ही पढ़ी है हमने, इसको अभी आपको तो खास जरूरत है, अगर 2 डिग्री है तो भी अल्कोहल और आयोडाइड, ठीक है, और छोटे का आयोडाइड बड़े का अल्कोहल। लेकिन अगर 3 डिग्री आ गया तो अब SN1 रिएक्शन होने की वजह से छोटे का अल्कोहल और बड़े का आयोडाइड आएगा, ठीक है। ओके एनिजोल के बारे में अगर कहें तो अगर इसकी HI से रिएक्ट करें तो आपको मालूम ही है कि C6H5 और O के बीच का बॉन्ड नहीं टूटता, तो फिनॉल बनना ही बनना है और दूसरे का आयोडाइड, ठीक है। और मैकेनिज्म की अगर बात करें तो पहले स्टेप में HI जुड़ता है ऑक्सोनियम आयन बनाने के लिए, और ये जो ऑक्सोनियम आयन होता है देखिए SN2 क्लीवेज में जनरली जाता है, और एक ही स्टेप में अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो SN2 क्लीवेज होता है, एक ही स्टेप में X नेगेटिव R पे अटैक करता है और उसी स्टेप में ROH बन जाता है, और अगर SN1 क्लीवेज होता है तो इस स्टेप में कार्बोकेटाइन बन जाता है, जो कार्बो के टाइम ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री और हाई वाला, उसके साथ फिर हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शन आपको मालूम नहीं है, दोनों तरफ बन जाता है प्रोडक्ट आपका आयोडाइड। अगर हाई टेम्परेचर है तो आप अल्कोहल बनाते ही नहीं है, दोनों में ही आयोडाइड बनता है, ठीक है। चलिए आई होप सो यहाँ तक क्लियर है आपको, और आज हम इतना ही। ओके बेटा आज की क्लास यहीं पे एंड कर, ठीक है सर। संडे को टेस्ट कितने बजे से है बेटा? अभी मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, टुडे इज थर्सडे, क्योंकि सचिन सर कह रहे हैं कि आप फ्राइडे को सैटरडे को टेस्ट ले लीजिए संडे की जगह, और बैच टाइमिंग पे ही ले लीजिए, ठीक है। तो कल वैसे ही शायद दशहरा है, तो हाँ बेटा कल ऑफ रहेगा,
मैं अभी ग्रुप में अपडेट कर दूंगा अभी सचिन सर से फिर से एक बारी बात करके, क्योंकि कल उनका टेस्ट है शायद, और वैसे दशहरा हॉलीडे ओके सर आपको ग्रुप में अपडेट करूँगा।